अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कासिल अतारी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अतारी आर्ट्स। फ्रेंड्स, आज हम एक 3D का टेक्चर डिज़ाइन बनाएंगे जो कोई टाइल नुमा होगा। तो उसके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त ये आइडिया मैंने तैयार किया है। तो पहले भी हम 3D इफेक्ट देते थे, लेकिन आज कुछ अलग से होगा इंशाल्लाह। तो इसमें हम स्प्रे कलर वो भी यूज़ करेंगे, आईब्रो भी यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से तैयार करते हैं। इसमें हमने ये जो कलर आई ट्यूब का ब्लू कलर ये ऐड करेंगे, और इसमें करेंगे एक है हमारे पास ब्राउन कलर, और तीसरा नंबर जो है वो थोड़ा सा इसमें ये डार्क ब्राउन कलर है। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन तैयार होने वाला है। तो इंशाल्लाह आप वीडियो पूरी देखिएगा, इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह ये देखें, ये हमने थोड़े थोड़े कलर टच कर लिए हैं। अब इसको हमने मिट्टी के तेल के साथ जो है सिलाई करना है। सबसे पहले जो है हम इसको ब्लू कलर जो है इसको ऐड करेंगे। पिगमेंट्स जो आते थे वो आते हैं थोड़े से लाइट कलर के, तो थोड़ा सा इसको हमने लाइट रखने की कोशिश करनी है। वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि जो इसके सभी जो है इसके स्टेप्स हैं वो आपके साथ शेयर हो जाएं, आपको भी इनका मालूमात आपको मिल सके। तो इसलिए वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो इसके बाद जो है ये ब्राउन कलर इसको हमने थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेना है। ये बहुत मजे का डिजाइन बनेगा इंशाल्लाह। ये देखें, थोड़ा सा इसमें ऑरेंज का जब इसमें मिक्स किया तो ये और थोड़ा सा डार्क हो गया। ये लाइट एंड डार्क का दोनों का कॉन्सेप्ट होगा। आज मौसम भी बहुत प्यारा है, सुबह से रात से बल्कि बारिश हो रही है। तो आज इंशाल्लाह वीडियो भी बहुत मजे की बनेगी। इस तरह से हमने कलर जो है अप्लाई करना है। करने के बाद इसमें जो हम टूल्स है हमारे, वो सबसे पहले हमने ये ग्लू पैक इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है पेंटिंग करने के लिए वो भी आपको दिखाएंगे। हर डिज़ाइन में कोशिश करता हूँ कि 2 से 3 इसमें कॉन्सेप्ट आपको मिले, वो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छे से अच्छा बन सके। क्योंकि बनाने के लिए 3D डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन इसमें जो मज़ा होगा वो आप इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। पिछली वीडियो बनाई थी पहले भी एक, मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे वो कलर और था, लेकिन उसमें थोड़ा सा काम रह गया था क्योंकि वो शाम हो रही थी तो वक्त कम था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको कम्प्लीटली जो आपके साथ शेयर करूं ताकि उसमें आपको पूरी मालूमात मिल सके। डबल जो होता है, डबल इफेक्ट जो होता है, उसमें से
दो तीन डिज़ाइन आपको नज़र आते हैं वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट जो भी ज़्यादा डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ हर डिज़ाइन में ही, तो हो सकता है आपको भी पसंद आए, तो इसलिए कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा बन जाए। हो सकता है इसमें दो चार मिनट आपके वीडियो के आपके टाइम के ज़्यादा लग जाएं, तो माज़रत चाहूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो पहला प्रोसेस है मुकम्मल हो चुका है, तो अब हमने ये एक पत्रा वगैरह ले लेना है, ये स्क्रैपर भी होता है कहते हैं इसको, ये लोहे का होता है, आप इस मैश के मुताबिक कोई और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी टेपिंग लगा ली है इसको पकड़ने के लिए, तो इसके साथ हम इसको अब करेंगे इस तरह से रख लिया, और ये ब्लैक कलर का पेंट है तो इसको हमने इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से हमने इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है, ये थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी डिज़ाइन से। इसका बेहतर तरीका होता है वो ऐसे होता है कि जो हमने पहले क्रिएट कर लिया है डिज़ाइन, इसको थोड़ा पुश करने के बाद तकरीबन दो तीन घंटे के बाद ऊपर वाला जो है वो चलाते हैं, लेकिन फिर इतना टाइम वेस्ट हो करना पड़ता है, इसलिए मैंने साथ ही शुरू कर दिया था, इसलिए ये डिज़ाइन में थोड़ा सा जो नीचे की सतह डिज़ाइन में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माजरत चाहूँगा, क्योंकि ये हो जाता है कम बेश, और आपने जो करना है वो एक्यूरेटली करना है, मैं तो जस्ट एक आईडिया के तौर पर बता रहा हूँ। फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको पहले जो दूसरा स्टेप है इस तरह से करना है, और तीसरा स्टेप जो है वो भी आपको बताता हूँ, बहुत ही मज़े का ये डिज़ाइन तैयार होगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से हमने ये कर लेना है, और इसके बाद जो है हमने ये वाइट कलर का जो पेंट है ये ले लेंगे,
इस तरह से हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है थोड़ी सी। यानी कि हमें कुछ इस तरह से कर लेने हैं और कुछ जो है वो इस तरह से। बहुत जबरदस्त बनेंगे। इसमें मज़ीद आप मेंशन करना चाहें तो वो भी बहुत एक ब्लैक का दोबारा से टच इसको दे दिया जाए तो और भी मज़ा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।